आपने अपने आसपास या बस ट्रेनों में सफर करते किन्नरों को जरूर देखा होगा। अक्सर सड़क पे गाते बजाते और लोगों से पैसे वसूलते ये दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन्नरों का जन्म कैसे होता है? वो आखिर कौन से लिंग के साथ जन्म लेते हैं और क्या उनकी कभी शादियाँ हो सकती है या नहीं? दोस्तों, आज हम आपको किन्नरों से जुड़े ऐसे ही कई रहस्यों को बताएंगे। तो हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त नीलेश प्रजापति। चलिए आज की इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। किन्नर का जन्म कैसे होता है? दोस्तों, किन्नर का जन्म कैसे होता है ये जानने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि आखिर किन्नर कहाँ किसे जाता है, क्या ये कोई पुरुष है या कोई महिला। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि किन्नर उस शख्स को कहा जाता है जो ना तो पूरी तरह पुरुष होता है और ना ही पूरी तरह महिला, अर्थात इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं और शायद यही कारण है कि दुनिया में इन्हें अलग नजरों से देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके उलट शादी विवाह और खुशी के अवसर पर अक्सर आपने किन्नरों को सभी घरों में नाचते गाते देखा होगा। दोस्तों, इसके पीछे भी बेहद खूबसूरत मान्यता है। यदि किन्नर किसी व्यक्ति के सर पर हाथ रख दे तो उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और यही वजह है कि किसी भी अच्छे काम से पहले इन्हें नाच गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि किन्नरों का जन्म कैसे होता है। दोस्तों, किन्नरों के जन्म के बारे में शास्त्र अपने तरीकों से बताता है और विज्ञान अपने तरीकों से। ज्योतिष विद्या की माने तो व्यक्ति के जन्म पत्रिका के 8वें घर में शुक्र और शनि मौजूद हो और इन्हें शुक्र और चंद्र नहीं देख रहे हो तो व्यक्ति का जन्म किन्नर के रूप में होता है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी माना गया है कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म बुरे हो और व्यक्ति पाप का भागीदारी हो तो उसे ही किन्नर का जन्म मिलता है। इसके अलावा और भी शास्त्रों में किन्नर का उल्लेख किया गया है, लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किन्नरों का अपमान करना सही है और उन्हें निचले दर्जे का समझना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किन्नरों का सम्मान नहीं करता या उनका मजाक उड़ाता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे अगला जन्म किन्नर का मिलता है। और अगर मेडिकल साइंस की माने तो जब महिला गर्भवती होती है तब 3 माह बाद शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है। इस बीच अगर माँ को कोई भी बीमारी या समस्या हो जाए तो इससे बच्चे के हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है और बच्चा स्त्री और पुरुष दोनों जननांग के साथ पैदा होता है, जिसे हम किन्नर या हिजड़ा कहते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस यह भी कहता है कि अगर गर्भाशय के दौरान माँ कोई दवाई ले और वो नुकसान कर जाए तो उससे भी होने वाला शिशु किन्नर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर क्या किया जाता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।